नमस्कार, जय हिंद। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है मन की शांति। एक राजा था और उसको पेंटिंग्स का बहुत शौक था। उसने एक प्रतियोगिता रखी अपने राज्य में कि जो इंसान शांति से रिलेटेड कोई पेंटिंग बनाएगा जिसमें शांति दिखे तो वो उसको मुंह मांगा इनाम देगा। बहुत सारे चित्रकार आए, बहुत सारी पेंटिंग्स बनी और फाइनली दो पेंटिंग्स को चुनकर राजा ने अलग रख दिया। अब बारी थी उनमें से बेस्ट चुनने की। राजा अपने दरबारियों के साथ उन पेंटिंग्स को देखने के लिए चल पड़ा। पहली पेंटिंग जब सामने आई उसमें एक बहुत ही शांत झील थी जिसका पानी बहुत ही निर्मल था कि उसका तल भी दिखाई दे रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पहाड़ थे जिसपे बर्फ जमी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रुई के फायर रख दिए हों, और झरनों से बहुत ही शांति वाली एक अनुभूति हो रही थी। सबने कहा शांति का इससे अच्छा वर्णन तो हो ही नहीं सकता। अब राजा और दरबारी दूसरी पेंटिंग के तरफ बढ़े। उसमें एक उफनती हुई नदी थी जिसमें शायद बाढ़ आ रही थी, बहुत तेज हवाएं चल रही थी, बहुत सारे पेड़ टूटे पड़े थे, कुछ झुके हुए थे और एक पहाड़ी से झरना गिर रहा था और उस पे ऐसा लग रहा था जैसे झरने ने रौद्र रूप धारण कर रखा हो। सब चिल्ला के बोले इस पेंटिंग का शांति से क्या मतलब। अब आई नतीजे की बारी। सब सोच रहे थे कि पहली पेंटिंग को ही बेस्ट पेंटिंग का खिताब मिलेगा। राजा ने दूसरी पेंटिंग को बेस्ट पेंटिंग का खिताब दिया और उस चित्रकार को मुंह मांगा इनाम दिया। सब लोग सदके में आ गए कि ये हुआ क्या। सबने राजा से पूछा कि राजा जी, पहली पेंटिंग बहुत अच्छी थी जिसमें सिर्फ शांति थी, आपने दूसरी पेंटिंग को क्यों चुना। राजा ने कहा इसको समझने के लिए आपको उस पेंटिंग को दोबारा देखना होगा। राजा उस पेंटिंग के पास गया और उसने बोला इस पेंटिंग में हर जगह अफरा तफरी मची हुई है, हर जगह हवाएं चल रही हैं, शांति नहीं दिख रही, लेकिन गौर से देखिए एक झुके हुए पेड़ पर एक घोंसले में एक चिड़िया, मादा चिड़िया अपने बच्चों को शांति से खाना खिला रही है। असल में शांति यही होती है। राजा ने फिर कहा आप सोचते हैं कि शांति मतलब आपके जीवन में कोई परेशानी ना हो, आपके माहौल के में आसपास कोई परेशानी ना हो, कोई अराजकता ना हो, शांति उसे नहीं कहते। इस अराजक माहौल में, इस परेशानी वाले माहौल में, इस अफरा तफरी के बीच में भी अगर आप शांत मन से अपने कार्य कर रहे हैं तो शांति उसे कहते हैं। कहानी तो बस यहीं तक थी, लेकिन इसे जो सीख मिलती है वो बहुत बड़ी है। हम लोग सोचते हैं कि एक परफेक्ट लाइफ हम लोग जिएंगे जहां पर कोई बाधा, कोई परेशानी, कुछ नहीं होगा, एक हंकी डोरी लाइफ जिसको हम इमेजिन करते हैं वो शांति भरी लाइफ है। देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट वर्ल्ड। हमारी जिंदगी में ये अशांति, अराजकता, अफरा तफरी मची रहेगी। सारी खूबसूरती उसी में है कि इस अराजक माहौल में भी हम अपने मन को शांत रख सकें और अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मैं सुनने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।